फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है आयत। आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, जैसे कि परिभाषा, इसकी विशेषता, इसके सूत्र और इस पर आधारित प्रश्न। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो अंत तक देखें, ताकि आपको सारे जो चीज़ है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए हम पहले अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है कि परिभाषा। आयत की परिभाषा को देखते हैं, यानी कि टॉपिक है परिभाषा। तो हम आयत के परिभाषा के बारे में जानते हैं, यानी कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने आमने सामने की भुजाएं बराबर हो कमा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं। तो जो हमारे आयत की परिभाषा हो गई, यानी कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का हो, उसे हम आयत कहते हैं। यानी कि जो हमारा ये चतुर्भुज है, उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो, AD और BC, और फिर से ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी कि AB और DC। अथवा हम यदि ये परिभाषा आपको ना समझ में आए तो हम एक दूसरी परिभाषा ले लेते हैं, अथवा करके लिख लेते हैं चार रेखा खंडों से घिरी वैसी आकृति, जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं। यानी कि चार रेखाखंडों से घिरी वैसी आकृति, यानी कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, रेखाखंड वे होते हैं जिसमें आदि बिंदु, यानी कि जो सीमित हो, जिसमें दो बिंदुए हो। तो चार रेखाखंडों से घिरी वैसी आकृति, यानी कि हम यहाँ पे चार रेखाखंड ले लेते हैं, हमने यहाँ पे चार रेखाखंड ले लिया, ठीक है। अब कह रहा है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, यानी चार रेखाखंड से हम एक चतुर्भुज बनाते हैं। ये हो गई चार रेखाखंडों से घिरी वैसी आकृति जिसमें के आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो कमा तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि जो दो रेखाखंडों के बीच का झुकाव है, यानी कि जो कोण है वो 90 अंश, यानी कि 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं। यानी कि आप जिस प्रकार परिभाषित कर दें वही परिभाषा हो जाएगी, जैसे जिस प्रकार आपको समझ में आ जाए,
आपकी परिभाषा वही होगी, आप जैसे समझ ले, ठीक है। तो हमने अपने आयत की परिभाषा को समझा, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं। और मैंने एक और परिभाषा दिया, चार रेखाखंडों से घिरी वैसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसकी विशेषता, यानी कि हम इसके बारे में जानेंगे। अब हम बात करेंगे इसकी विशेषता के बारे में, आप वीडियो में बने रहें ताकि वीडियो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो अब हम इसकी विशेषता के बारे में बात करेंगे, यानी कि आयत की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो मैं एक अलग से आयत बना देता हूं, मान ले कि ये हमारा एक ये वर्ग के जैसा हो गया। मान ले कि ये हमारा एक आयत हो गया एबीसी। हम इसे कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, ए से बी तक हम इस पर कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब हम ये जान लेंगे कि जो विशेषता में पहली है, लिख देता हूं इसकी विशेषता है, ताएं निम्न है। इसकी विशेषताएं निम्न है, इसकी विशेषताएं निम्न है, यानी कि आयत में चार कोण होते हैं, आयत में चार कोण होते हैं, आयत में चार कोण होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत में चार कोण होते हैं कमा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि किसी भी आयत को हम ले लें तो जो उनके दो रेखाखंडों के बीच की झुकाव है, मान लेते हैं ये एबी रेखाखंड और सीडी रेखाखंड के बीच का झुकाव ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि आयत में चार कोण होते हैं, प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। ये हमारी पहली विशेषता हो गई। इसी प्रकार हमारी जो दूसरी विशेषता हो गई वो ये है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, होती है। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि जो ये भुजाएं हमारी ए बी, वो अपने सामने वाली भुजा डी सी या सी डी कहें उसके बराबर होगी, और जो ये भुजाएं हमारी ए डी या डी ए, वो बराबर होगी बी सी के, ठीक है। अब जो हमारी तीसरी उसकी विशेषता है वो है आयत में दो विकर्ण होते हैं, आयत में दो विकर्ण होते हैं। किसी भी आयत को ले ले उसमें दो विकर्ण होंगे, यानी कि एक ये हो जाएगा बी डी और एक ये हो जाएगा ए सी। अब हम आयत में दो विकर्ण होते हैं, तो अब हम थोड़े विकर्ण के बारे में बात कर लेते हैं कि विकर्ण क्या होता है। तो विकर्ण, विकर्ण यानी कि दो रेखाखंड, यानी कि
आयत के दो रेखाओं दो भुजाएं लिखते हैं, आयत के दो भुजाओं के बीच का कोण, आयत के दो भुजाओं के बीच का कोण यानी कि एक ए बी और एक बी सी के बीच का कोण 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का हो गया। आयत के दो भुजाओं के बीच का कोण कमा इसी प्रकार कमा इसी प्रकार और दो भुजाओं, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा देता हूं, आयत के सम्मुख कोण को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। आयत के समूह कोणों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाते हैं, यानी कि ये हमारा कोण हो गया, इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं, ये कोण हो गया हमारा ए डी सी, ठीक है, और इसके सम्मुख यानी कि सामने का कोण हो गया हमारा ये वाला बी कोण ए बी सी, यानी कि ये कोण हो गया ए बी सी। तो हमारी परिभाषा है विकर्ण की, आयत के सम्मुख कोणों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है, यानी कि ये हमारे दो सम्मुख कोण हो गए और जो इनको ये लाइन मिला रही है ये हमारा विकर्ण हो जाएगा, यानी कि बी डी हमारा विकर्ण हो गया। इसी प्रकार इस विकर्ण के लिए तो हमारा कोण ए लेंगे, बी ए डी हमारा कोण हो जाएगा बी ए डी, और ये कोण हो जाएगा हमारा बी सी डी, ठीक है, और इन दोनों को बीच इन दोनों को मिलाने वाली रेखा हमारा विकर्ण यानी कि ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने विकर्ण की परिभाषा जान ली, आयत के समूह कोणों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। अब हम आयत की चौथी विशेषता के बारे में जानेंगे जो कि है आयत में चार कोण होते हैं, आयत में चार कोण होते हैं, आयत में चार कोण होते हैं यानी कि मैं जो ये आयत लिया हूं जिसका नामकरण किया हूं ए बी सी डी से, इस आयत में हम बात कर लेते हैं कि चार कोण कौन कौन से होते हैं। तो पहला हमारा कोण हो जाएगा कोण बी ए डी, ये हमारा पहला कोण हो गया ये वाला। फिर हमारा हो जाएगा कोण ए बी सी यानी कि ये वाला कोण कमा कोण ए बी सी। फिर से हमारा तीसरा कोण हो जाएगा ये वाला सी बी सी डी बी सी डी बी सी डी, तथा हमारा जो चौथा कोण हो जाएगा डी यानी कि ये वाला ए डी सी ए डी सी कोण ए डी सी। एक बात ये बता दूं जिनको नहीं पता है, हम कोण को इस रेखा के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है, तो इसलिए लिखा कोण ए बी ए डी यानी कि कोण ए, फिर कोण ए बी सी यानी कि कोण बी, फिर कोण बी सी डी यानी कि कोण सी, फिर कोण ए डी सी यानी कोण डी। तो आयत में टोटली चार कोण होते हैं और जो इन टोटली चारों कोणों का योग होता है यानी कि ले लेंगे कोण बी, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ कोण ए कोण बी कोण सी तथा कोण डी, ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं, और इन चारों कोणों का योग होता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी
इनका योग होगा वो होगा 360 डिग्री के बराबर, यानी कि चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हमने कुल टोटली आयत की चार विशेषताएं जानी। अब हम बात कर लेते हैं आयत के सूत्र के बारे में। अब हम आयत के सूत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा जो तीसरा टॉपिक है इनके सूत्र, तो सूत्र में हम पहले जान लेते हैं कि आयत की परिमिति, पहला हमारा सूत्र है आयत की परिमिति, यानी कि आयत की परिमिति। तो आयत की परिमिति होती है हमारी 2 छोटा कोष्ठ लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई में 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा आयत का जो निकलेगा वो परिमाप निकलेगा। और हम इसी के द्वारा हम क्वेश्चन को भी हल करते चलेंगे कि इस पर आधारित प्रश्न कैसे होंगे। मान लीजिए कि एक हमें आयत दिया है, मान ले कि एक आयत दिया है, आयत है हमारा, हमारा आयत है ए बी सी डी या पी क्यू आर एस, कुछ भी हमारा एक आयत दिया है जिसमें कह रहा है कि आयत की लंबाई यानी कि ये 2 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई जो है वो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर है और पूछ रहा है कि हमें आयत की परिमिति ज्ञात करनी है। तो हम आयत की परिमिति कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो जब हम जानते हैं कि एक भुजा डी सी 2 सेंटीमीटर दी गई है और हमने अपने आयत की विशेषता में पढ़ी कि आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी कि ये बराबर ये, यानी कि 2 सेंटीमीटर का ये भी हो जाएगा। फिर हमने इस भुजा को बराबर कर देंगे, ये भी 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब हम इसकी परिमाप निकालेंगे, यानी कि हमारा हो गया 2 × लंबाई हमारा दिया है 2 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई दिया है 1, जोड़ लेंगे गुणे 3 आ जाएगा, यानी कि ये दोनों हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे आयत का परिमाप हो गया 6 सेंटीमीटर। या प्रश्न इस प्रकार दे दे, ये चित्र ना देकर, हमें ये चित्र ना देकर प्रश्न दे दे, सिर्फ इसी प्रश्न को दे दे, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई व चौड़ाई, आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर कमा 1 सेंटीमीटर हैं, तो इसकी परिमिति निकालें, परिमिति निकाले या परिमाप निकाले, यही हमारे क्वेश्चन में कहेगा। तो हमारा प्रश्न है आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर व 1 सेंटीमीटर है तो इसकी परिमिति निकाले, यानी कि सेम इसी तरह। और हमने इसी प्रश्न को लिखा था क्या पहले बार, अथवा हमने इसी प्रश्न को लिखा था, एक आयत बनाया था उसमें ये 2 सेंटीमीटर का था और ये 1 सेंटीमीटर का था। इस प्रकार हमने देखा कि आयत की परिमिति दी होगी तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं। अब आते हैं आयत का क्षेत्रफल। अब हम आयत के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई।
जो कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम इस पे आधारित प्रश्न को कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक आयत है, मान लीजिए हमारे पास एक आयत है और इसका लंबाई मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर दिया है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दिया है। और अब हमें इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, लंबाई को 5 सेंटीमीटर रख देंगे और चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो दिया है उसके मानों को रख देंगे और हम निकाल लेंगे, यानी कि 15 सेंटीमीटर। और ये 15 सेंटीमीटर की होगा क्योंकि जब हम 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 15 सेंटीमीटर स्क्वायर की होगा क्योंकि जब हम 5 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि 5 के आगे सेंटीमीटर फिर गुणे सेंटीमीटर, यानी कि 3 के बाद सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुणा करेंगे तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार इसमें सेंटीमीटर हम मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जब 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे तो 3 सेंटीमीटर होगा, और 3 सेंटीमीटर में गुणा 2 करेंगे तो हमारा 6 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। हमने देखा कि आयत पे आधारित जो 2 सूत्र हैं, यानी कि परिमिति और क्षेत्रफल, उससे हम कैसे प्रश्नों को हल करेंगे, या इसमें प्रश्न आ जाए किसी आयताकार खेत की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो हम या तो खेत को नंबरिंग कर दें, यानी कि जैसे ABCD, यानी कि हम उसे सूचित कर दें ABCD से, ठीक है। और अब तब हम निकाल लें आयताकार खेत, ऐसे लिखेंगे कार खेत ABCD का क्षेत्रफल, उसे ऐसे लिख के हल कर देंगे, 5 × 3 यानी कि 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम आयत के अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं, यानी कि आयत की लंबाई। आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, यानी कि आयत की लंबाई का सूत्र होता है क्षेत्रफल बटे बटे चौड़ाई। हमें आयत की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, यानी कि क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, यानी कि मान लेते हैं कोई आयत है जिसकी चौड़ाई इतनी 3 सेंटीमीटर दी गई है और उसका जो क्षेत्रफल है, मान लेते हैं कि हमने इसका निकाला था क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लेते हैं आयत का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर है तथा उसकी जो चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर है, तो हमें उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे आयत की लंबाई, यानी कि x मान लेते हैं और हमारा क्षेत्रफल हो गया 15 और उसकी चौड़ाई हो गई 3, यानी कि हम इसको कर देंगे, भाग लग जाएगा 3 में 5 से, तो ये आ जाएगा हमारा 5, 3 में 15 से भाग लग जाएगा तो 5 आएगा, तो x बराबर 5 आ गया हमारा सेंटीमीटर आयत की लंबाई, यानी कि हमने देखा था कि ये भुजा हमारी पहले 5 सेंटीमीटर की थी जो हमें पुनः प्राप्त हो गई, ठीक है। या प्रश्न ऐसे आ जाए कि आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका लंबाई ज्ञात कीजिए, तो हम इसी प्रकार रख के उसकी भी लंबाई ज्ञात कर लेंगे, यानी कि जैसे देख लेते हैं उसको भी कि हमारा क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर था और हमें लंबाई ज्ञात करनी है, लंबाई को x से सूचित कर दिया या नहीं करेंगे उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर था और उसकी चौड़ाई जो थी वो 5 सेंटीमीटर थी, ठीक है। हम यहाँ से ये कर देंगे तो 6 × 5 = 30 और 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर चला जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर बचेगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम अपने अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं, आप इसे नोट करते जाइएगा कि आपको
किसी प्रकार की परेशानी ना हो प्रश्न को हल करने में। तो हम अपने अगले प्रश्न के अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सूत्र है आयत की चौड़ाई। मैं इसे मिटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई का जो सूत्र होता है वो होता है आयत का क्षेत्रफल बटे आयत की लंबाई। बटे आयत की लंबाई, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा लंबाई वाला जो फॉर्मूला था वो था क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, और जो चौड़ाई वाला है वो है क्षेत्रफल बटे लंबाई। यानी कि फर्क इतना ही है कि इसमें चौड़ाई नीचे था और इसमें लंबाई नीचे है। सेम इसी प्रकार इसको भी हम हल कर लेंगे। मान लें कि कोई आयताकार खेत है जिसका हमें क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल जिसका दिया है 50 मीटर में दिया है स्क्वायर, आयत का क्षेत्र है 50 वर्ग मीटर, और फिर उसकी जो चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है उसके लिए मान लें कि आयत का क्षेत्र 50 सेंटी वर्ग मीटर स्क्वायर दिया है और उसकी लंबाई दी गई है हमें 5 मीटर, और हमारा प्रश्न कह रहा है कि उस आयत का चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इनको मानों को यहीं पे रख देंगे, यानी कि 50 बटे 5 कट जाएगा 10 बार में, यानी कि 10 मीटर इसकी जो चौड़ाई आ जाएगी, आयताकार जो आकृति है इसकी चौड़ाई जिसका क्षेत्रफल 50 मीटर स्क्वायर है और लंबाई उसकी 5 मीटर है, तो उसका चौड़ाई आ जाएगा 10 मीटर, ठीक है। या इसी प्रश्न को ऐसे कह कि एक आयताकार खेत है जिसकी क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर है तथा उसका लंबाई 5 मीटर है, तो उस आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल सॉरी उस आयताकार क्षेत्र का चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम इसी तरह ज्ञात कर लेंगे। अब हम अपने अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं, आयत का विकर्ण। तो हमने आयत की विशेषता में पढ़ा कि आयत के दो विकर्ण होते हैं, आयत का विकर्ण जो हमारा पांचवा फॉर्मूला है वो है आयत का विकर्ण। यानी कि ये एक आयत है और इसमें ये विकर्ण हो गया, यानी कि बीडी या डीवी बोले उसको। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, यानी कि लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग आयत के विकर्ण का सूत्र होता है। और हमने पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज में जो हमारा विकर्ण होता है वो इन दोनों भुजाओं के योग के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि मान लेते हैं ये त्रिभुज ए बी सी है। आपको मैं समझने के लिए बता रहा हूँ कि विकर्ण को क्यों ऐसे लिखा जाता है। विकर्ण का फॉर्मूला क्यू अंडर रूट रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है। मान लें कि ये दो भुजाएं हैं, मान लेते हैं 2 और 3 हो गए, तो इसका सूत्र होता है समकोण त्रिभुज का कि किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का योग सबसे बड़ी भुजा दो भुजाओं का योग का वर्ग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि ए सी स्क्वायर जो होगा ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर के बराबर होता है। हमने ये पढ़ा अपने यानी कि समकोण त्रिभुज का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला। इसी प्रकार हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं और इसमें एक और समकोण त्रिभुज ले लिए, तो हम देखते हैं कि
ये एक आयत बन जाता है, यानी कि जो ये विकर्ण है यहाँ से यहाँ, यानी कि मान लीजिए ए बी सी डी, यानी कि दो समकोण जब त्रिभुज मिल रहे हैं तो एक आयत बन रहा है। यानी कि उसी प्रकार जब हम इसमें कर्ण यानी कि सबसे बड़ी भुजा एसी को निकालते थे तो वो हमारा सूत्र था अंडर रूट ए डी स्क्वायर धन डी सी स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार ये हमारे आयत में यही कर्ण विकर्ण के रूप में हो जाता है, और इसलिए इसको लिखते हैं लंबाई स्क्वायर धन चौड़ाई स्क्वायर, वो यही होता है, इसलिए लिखते हैं इसे लंबाई स्क्वायर धन चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है। मान ले इस पे हमें एक प्रश्न मिल गया कि आयत की लंबाई 4 है और उसकी चौड़ाई 2 है, तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेंगे लंबाई 4 है इसलिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और चौड़ाई 2 है इसलिए 2 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 16+4 यानी कि 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर इसका विकर्ण हो जाएगा। या हमारा प्रश्न आ जाए किसी आयताकार खेत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण ज्ञात करें, तो 4 को यहाँ लिख देंगे 2 को यहाँ लिख देंगे और निकाल लेंगे तो भी हमारा 20 सेंटीमीटर ही आएगा। तो हमने सीखा आयत की परिभाषा, उसकी विशेषता, इसके सूत्र और उस पर आधारित प्रश्नों को हमने हल किया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, अब हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे त्रिभुज के बारे में।